हेलो दोस्तों, मैं हमीना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पपाया फेशियल घर पर करना बताऊंगी, क्योंकि मार्केट का अगर आप पपाया फेशियल इस्तेमाल करते हो तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसमें क्या कुछ केमिकल्स जो हैं मिक्स हुए हैं क्या नहीं। उसे अपने फेस पर अप्लाई करना और उसके एकदम से तो उसका निखार आप देख लेते हो, लेकिन बाद में आपको कहीं ना कहीं आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स केमिकल्स जो हैं जो अपना असर तो दिखाएंगे, है ना। इससे अच्छा है आप घर पर ही आप पपाया से आप फेशियल करें। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पपाया को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सी में अच्छे से चलाकर उसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लें, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप पपाया का पेस्ट तैयार कर लें। जी, मैंने थोड़ा सा थिक रखा है। तो अब क्या करना है इसका जो है फेस पैक बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जी मैं आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगी। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लिंजिंग। तो क्लिंजिंग के लिए आप क्या करें कि 1 चम्मच पपाया है आपको, और सेकंड आपको चाहिए एलोवेरा जेल। तो थोड़ा सा हम इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे, 1/2 चम्मच एलोवेरा जेल। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस क्लींजर को, पपाया क्लींजर को हम लगभग 2 मिनट तक अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, क्लीन करेंगे अपने फेस को। तो क्लिंजिंग के बाद सेकंड स्टेप शुरू करेंगे, वो है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग के लिए दोस्तों आप बाउल में 1 चम्मच पपाया पेस्ट लेंगे और 1 चम्मच चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा दोस्तों स्क्रबिंग के लिए, स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारी स्किन की जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं, डेड स्किन है, उसे रिमूव करके बहुत फ्रेश बनाता है आपकी स्किन को, और लाइटन करने में, ब्राइटन करने में और स्किन को टाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी स्किन जो है बहुत लूज है तो उसे टाइट करेगा और साथ ही साथ आपकी रंगत को निखारेगा। तो पपाया पेस्ट और चावल का आटा अच्छे से मिक्स कर लें कुछ ऐसे। और हाँ दोस्तों, आपको क्लिंजिंग के बाद आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्लिंजिंग के बाद सीधा सेकंड स्टेप स्टार्ट किया है। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं आपको स्टेप्स अभी दिखा रही हूँ, जैसे कि क्लिंजिंग, स्क्रबिंग, वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊँगी वीडियो को। आपको बिल्कुल जेंटली करना है, और स्क्रबिंग भी आपको 2 से लेकर 3 मिनट तक हल्के हल्के ही हाथों से करनी है।
तो अभी इस थर्ड स्टेप ऑफ फेस पैक का शुरू करेंगे दोस्तों। तो उसके लिए आपको एक कटोरी में 1 चम्मच पपाया का पेस्ट लेना है। आधा चम्मच जो है ऑरेंज पील पाउडर और 1 चम्मच जो है आपको कुकम्बर का जूस लेना है, जो कि आपके फेस को बेहद हाइड्रेट करेगा। तो 1 चम्मच कुकम्बर जूस, खीरे का जूस, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने फेस पर अप्लाई करें। तो मिक्स हो गया है, अभी अप्लाई करेंगे इसे। सो 15 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश किया है और यकीनन मेरा फेस जो है बहुत बहुत तरोताज़ा फील हो रहा है। ग्लो भी प्रोवाइड हुआ है ये देखिए, और निखार भी आया है मेरे फेस पर। तो यस, आप भी घर पर पपाया फेशियल कीजिए। मार्केट का फेशियल आप भूल जाएंगे, जब घर पर आप पपाया फेशियल करोगे तो खुद आप इसके बेनिफिट्स जानोगे। आपकी स्किन को जो बेनिफिट्स इसके मिलेंगे तो आप खुद इस फेशियल को करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे दीजिए यार। थैंक यू।